आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट के बारे में डील कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे कि किसी भी इंसान के शरीर में कुछ भी ऐसी अवस्था या कोई भी ऐसी बीमारी का होना जिसकी वजह से वो स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं या जिसे हम कहते हैं कि हेल्दी फील नहीं करते हैं, तो वो डिज़ीज़ हो जाता है। ओके, सो यहाँ बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि किस किस तरीके की बीमारियाँ होती हैं, शरीर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, उनमें किस किस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, किन वजहों से बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों में किस तरीके से हमें इलाज देना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे वो इस सब्जेक्ट में है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ओके, सो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हम दो भागों में पढ़ेंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2। ओके, सो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि जब भी हम किसी भी बीमारी के बारे में बात करते हैं या किसी भी बीमारी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, तो हम किस तरीके से उस बीमारी को एक्सप्लेन करेंगे, उसका एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका है कि शुरू हम कहाँ से करेंगे, किस तरीके से हम उस एक बीमारी के बारे में हर एक चीज़ बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जब भी एक बीमारी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो हम उसका डेफिनेशन बताएंगे। डेफिनेशन मतलब परिभाषा, मतलब वो बीमारी क्या है, वो अवस्था क्या है। नेक्स्ट आता है इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर का मतलब है कि हम ये सारे चीज़ें बताएंगे कि वो बीमारी किन वजहों से हुई है, क्या कारण रहा है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई और बात हुई है, तो जिन भी कारणों की वजह से हमें लगता है कि ये बीमारी हो सकती है उसे हम कारण में लिखेंगे एटियोलॉजिकल फैक्टर में। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब प्रकार। कुछ बीमारियों में कुछ प्रकार होते हैं बीमारियों के, एक ही बीमारी के कुछ कम प्रॉब्लमैटिक, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस में कोई और तरीके का कारण रहा होगा। तो एक ही बीमारी अगर एक से ज़्यादा तरीकों से अगर किसी को होती है तो वो हम किस में लिखते हैं, टाइप्स या क्लासिफिकेशन में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी मतलब विकृति विज्ञान, मतलब हम इसमें बात करेंगे कि शुरुआती दौर, मतलब एक ऐसा टाइम था जब एक व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ थे। ओके, उसके बाद ऐसा क्या हुआ, किस तरीके से कोई भी सूक्ष्म जीवु या कोई भी माइक्रोब्स जो है वो जीवाणु कैसे उस व्यक्ति के शरीर में गए, या क्या ऐसा कोई और कारण रहा होगा जिसकी वजह से कोई पहला एक चीज़ हुआ। ओके, उसके बाद उनकी बॉडी में किस तरीके से चेंजेस आए उस बीमारी के दौरान, और किस तरीके से एक ऑर्गन या एक सिस्टम किसी हद तक क्या हो गया, ख़राब हो गया है, या किसी ऑर्गन की जो क्षमता थी, जैसे लंग्स हैं तो लंग्स की क्षमता है सांस लेने की। ओके, सो अगर लंग्स में किसी भी तरीके का अगर इन्फेक्शन हो जाएगा या कोई बीमारी लंग्स में हो जाती है, तो धीरे धीरे जो सांस लेने की या ऑक्सीजन को बॉडी में सप्लाई कर पाने की वो जो क्षमता है, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखनी, वो क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी में कि कैसे शुरू से लेकर एक एक स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि कैसे बीमारी किसी भी इंसान की बॉडी में प्रोग्रेस कर रही है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब है लक्षण। लक्षण मतलब जब भी किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी के दौरान वो किस किस तरीके के लक्षण शो करते हैं। ओके, उन्हें खांसी हो रही है, उन्हें बुखार हो रहा है, किसी व्यक्ति को किसी बीमारी के दौरान सर में दर्द हो रहा है, या चलने में वो ठीक फील नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, लक्षण या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिन्हें हम सिम्टम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नैदानिक मूल्यांकन, या हम बहुत सिंपल तरीके से कहें तो हम कैसे जांच, किस किस तरीके की जांच करा सकते हैं, किस तरीके से हम असेस कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो जो भी हम ब्लड का टेस्ट कराते हैं, यूरिन का टेस्ट कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, सीटी कराते हैं, हम उनकी पूरी एक जो हिस्ट्री है वो लेते हैं, वो सब कुछ किस में आता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या जाँच में। ओके, ये जो स्टेप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर हम ये बताएंगे कि किस तरीके से पता चलता है कि किसी व्यक्ति को बीमारी है, या बीमारी है तो वो कौन सी बीमारी है, वो सब कुछ हमें यहाँ पता चलेगा। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट मतलब चिकित्सा, या किस तरीके का इलाज हम दे सकते हैं। इलाज को नॉर्मली हम तीन भागों में बांटकर बात करते हैं। फर्स्ट आते हैं मेडिकल। मेडिकल मतलब वैदिक तरीके से, या हम बात करें तो मेडिसिंस
को देखकर या बिना मेडिसिंस को देखकर जो हम किसी भी व्यक्ति के साथ कोई एक इलाज की प्रक्रिया चला सकते हैं। मेडिसिन देकर, मतलब जैसे बुखार हो रहा है तो बुखार के लिए हमने उस व्यक्ति को पैरासीटामोल दिया, तो वो मेडिसिन फार्मा रिलेटेड है या फार्माकोलॉजिकल है। तो फार्मा रिलेटेड अगर नहीं है तो उसमें क्या आएगा, जैसे हमने उन्हें ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी हैं उनके सर पे ताकि उनका बुखार थोड़ा कम हो जाए, तो वो किस में आता है, उसमें हम कोई मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन फार्माकोलॉजिकल हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो फार्मा या नॉन फार्मा जो भी हम इलाज करते हैं या उनकी प्रॉब्लम कम करने की कोशिश करते हैं वो किस में आता है, मेडिकल में। नेक्स्ट आते हैं सर्जिकल में। सर्जिकल मतलब शल्य क्रिया जो होती है या सर्जरी जिसको हम कहते हैं, तो ऑपरेशन के द्वारा या सर्जरी के द्वारा हम किसी एक प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं किसी व्यक्ति के शरीर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट। ओके, लास्ट हम बात करते हैं नर्सिंग। ये दोनों चीज़ें तो नॉर्मली हैं, थर्ड जो नर्सिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम नर्सिंग फील्ड से हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम पेशेंट को किस तरीके से मैनेज करें। ओके, यहाँ पे नर्सिंग जो मैनेजमेंट है उसमें हम बात करते हैं कि जो हम उन्हें दवाइयाँ दे रहे हैं वो कैसे देनी चाहिए, किस प्रकार से देनी चाहिए, दवाइयाँ कितनी इम्पॉर्टेंट है वो हम कैसे बता के देंगे, और उससे जुड़े हुए जो भी उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या जैसे किसी व्यक्ति ने कोई दवाई ली उसकी वजह से उन्हें कोई और प्रॉब्लम हो रही हो, वो सारी चीज़ें देखने की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, टाइम पे मेडिसिन एडमिनिस्टर करने की। अगर पेशेंट का ऑपरेशन होने वाला है या हो चुका है तो हम क्या कर सकते हैं उस पेशेंट के साथ जिसके लिए, जिस वजह से उनकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम हो जाएगी, उनका डिसऑर्डर या उनके लक्षण थोड़े से कम हो जाएंगे, पेन कम हो जाएगा, वो सब कुछ किस में आता है, नर्सिंग मैनेजमेंट में। ओके, सो ये था इस बारे में कि हम कभी भी किसी बीमारी के बारे में जब बात करेंगे तो हम इन सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इसी ऑर्डर में हम कोशिश करेंगे कि हम बात करें। ओके, इसमें से टाइप्स, क्लासिफिकेशन या फिर पैथोफिजियोलॉजी जो है वो हो सकता है कि जैसे कुछ बीमारियों में एक जैसे हमें दिखें। ओके, बाकी जो चीज़ें हैं तो वो हम इंक्लूड किसी बीमारी में करेंगे, किसी में नहीं करेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम सारी बीमारियों में इसी ऑर्डर में चीज़ों को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ओके, सो अब जब हम आगे किसी भी एक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे तो हमें याद रहना चाहिए कि हमें ये सारी चीज़ें उसमें कवर करनी है। ओके, सो ये था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।